नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चलिए आज हम कक्षा 2 में गुजराती मीडियम में हिंदी विषय में अभ्यास करने वाले हैं। आगे के वीडियो लेक्चर टाइम में हमने 2 वर्णों वाले ई की मात्रा वाले शब्द का अभ्यास किया है, तो आज हम वीडियो लेक्चर 10 में आगे ई की मात्रा का अभ्यास करेंगे। तो उसमें आज हम 3 वर्णों वाले और 4 वर्णों वाले ई की मात्रा वाले शब्द का अभ्यास करेंगे। तो आज हमने ये देखे एक उदाहरण है, यहाँ पर हम 3 वर्णों वाले और 4 वर्णों वाले दोनों ही मात्रा शब्द का अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पर तो हम लगाएंगे उसके बाद ये प्रश्न चिन्ह हम निकाल लेंगे, उसके बाद लिखेंगे क है तो क लिखेंगे, उसके बाद ये प्रश्न चिन्ह है उसे निकालेंगे और लिखेंगे स है, उसके बाद ये कणों का मात्रा लगाएंगे, प्रश्न चिन्ह निकालेंगे और न लिखेंगे। तो हमें शब्द मिला उसके बाद में दा किया स
पहला शब्द कौन सा है? ईसमीश, गीरगीत। कौन सा शब्द है? गीरगीत। जीरमील, तेरहवां शब्द है जीरमील। चौथा है साइकिल, साइकिल। पंद्रहवां है बाद में म, तो
व लिखेंगे, उसके बाद है सा, तो व श लिखेंगे। चलो कौन सा शब्द बना, ई स मी स, कौन सा शब्द बना, ई स मी स। चलो अब पांचवा है, पहले की मात्रा है वो लगाएंगे, फिर प्लस का चिन्ह निकाल कर व, उसके बाद प्लस का चिन्ह निकाल कर म है तो म लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर कानून का है तो व लगाएंगे, बट्टा का चिन्ह निकालेंगे, फिर आएगा न। तो शब्द बना वी मा न, समझ में आया। हमें प्लस का चिन्ह निकालना है और मात्रा को अक्षर से जोड़कर शब्द बनाना है। चलो नीचे है उदाहरण के अनुसार शब्द में से ई की मात्रा को अलग करके लिखें। अब उदाहरण के अनुसार आपको एक शब्द दिया गया है निशान, कौन सा शब्द है निशान, तो उसमें से हमें अब मात्रा को अलग करना है। यहाँ अलग है उसी तरह हमें करना है। देखिए पहले हम करेंगे ये ई की मात्रा है, उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर है न लिखना है, मात्रा जिसके आगे है उसी के आगे लिखनी है, उसके बाद यहाँ पर सा लिखना है, तो पहले हम स लिखेंगे क्योंकि कानो पीछे आता है, उसके बाद कानो लगाएंगे वट्टा करके, उसके बाद लास्ट में न लगाएंगे। समझ में आया, जो ऊपर का है उसी तरह हमें अलग करके लिखना है। तो आपको यहाँ बहुत पांच शब्द दिए गए हैं, तो ये आपको होमवर्क में पांच के पांच शब्द को क्या करना है, इस तरह उदाहरण के अनुसार अलग करके लिखना है। जैसे शब्द है डाकिया, उसके बाद परिचय, नारियल, टकिया, अभिलाषा, इन पांच शब्दों को उदाहरण के अनुसार आपको अलग करके लिखना है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमने आपकी मात्रा कानों का अभ्यास किया है, इसीलिए जब भी आप शब्दों में से मात्रा को अलग करें तो ये कानों की मात्रा को भी अलग करना अवश्य है। तो ये पांच शब्द आपको होमवर्क में करना है। पहले आपको ये आपकी हिंदी का पूरा नोटबुक में लिखना है, हिंदी की नोटबुक में, उसके बाद ये लिखना है, और लास्ट में आपको होमवर्क जो दिया गया है वो करना है। तो जो भी आपको पीडीएफ के द्वारा भेजा जाए वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही।